हाँ जी उन्होंने, आईसीएआई अपने इंटर फाइनल और फाउंडेशन तीनों लेवल के रिजल्ट्स निकालने वाली है एंड द बेटर फैक्ट विच वी ऑल नो इज कि द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेल इन इट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मल्टीपल अटैम्प्ट से ऑलरेडी फेल हो रहे हैं वो अगर इस अटैम्प्ट में दोबारा फेलियर देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी हाईली लाइकली थिंग कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इनफैक्ट डिप्रेशन वाली स्टेट में भी चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इवन इफ दे क्वालिफाई नाउ आफ्टर हैविंग गिवन 5-6 अटैम्प्ट्स, वो अगर सीए बन भी गए तो देयर लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी मीडियोकर। उनकी वैसी लाइफ नहीं होने वाली अगर वो पहली पहली अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते या फिर रैंक ले आते, तब जैसी लाइफ होती वैसी अब नहीं हो सकती क्योंकि 4-6 अटैम्प्ट्स मिनिमम लग चुकी हैं उनकी, तो दिक्कत आएगी उनके करियर में। दिस इज़ अ मिथ जो कि मैं इस वीडियो में आपका ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आप ढंग से सुनिए, ढंग से एनालाइज करिए, अगर समझेंगे आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली और आप सैडनेस वाली स्टेट में नहीं जाएंगे। देखिए एक बार एनालाइज करके देखते हैं, किसी एक सीए का केस लेते हैं, ये सीए 4, 6, 10, 15 कितनी भी अटैम्प्ट्स के बाद बने हैं, जितना आपका केस बैठता है आप उतना पकड़ के देखिए और आप देखेंगे कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे? लेट अस से आप कल को कहते हैं कि नहीं मेरे को सीए बनने के बाद जॉब करनी स्टार्ट करनी है। क्या जॉब करनी स्टार्ट करने में दिक्कत आती है? क्या ये आपके जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं ये मैटर करती हैं कि आपने एक अटैम्प्ट में क्लियर करा, 3 में करा, 6 में करा, 10 में करा, कितनी में करा? पहली चीज़, अगर आपकी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो लगी थी वो इंटर या फाउंडेशन लेवल पे लगी थी तो वो बहुत ज़्यादा केसेस, बहुत अच्छे चांसेस हैं वो आपकी फाइनल की जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है वो उसको मास्क कर जाएंगी। यानी कि लेट्स से आपकी इंटर में 5 अटैम्प्ट्स लगी थी, सीपीटी में 3 लगी थी, लेकिन फाइनल आपने 1 अटैम्प्ट में निकाल लिया या 2 अटैम्प्ट में निकाल लिया, तो बहुत ज़्यादा ये देखा जाएगा कि आपने फाइनल कितनी अटैम्प्ट्स में निकाला है। इंटर एंड फाउंडेशन की अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करेंगे आपकी। दूसरी चीज़, लेट्स से स्टूडेंट कहता है मेरी तो फाइनल में 6 अटैम्प्ट्स लग चुकी हैं, अब क्या होगा? क्या जॉब में ये चीज़ मेरे को दिक्कत करेगी? देखिए बहुत छोटा सा अगर आपको मैं आंसर देना चाहूँ, मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक होने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि आपके करियर की बात हो रही है। मैटर करता है या नहीं करता है? मैटर बिल्कुल करता है, 100% करता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे वहाँ पे 4 टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे होंगे, एक फर्स्ट अटैम्प्ट में जो पास हुआ है, दूसरा 2 में, तीसरा 3 में, चौथा 10 अटैम्प्ट्स में पास हुआ है। तो ऑफकोर्स जो 10 अटैम्प्ट्स में पास हुआ है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ इस क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं दी जाएगी, जो कम अटैम्प्ट्स में पास हुआ है वो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह आएगा। लेकिन एक जो दिक्कत कर जाते हैं बच्चे, एक जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है बच्चों में वो ये होती है कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ है तो अच्छी एमएनसी में जॉब मिल ही जाएगी, और 10th अटैम्प्ट में पास हुआ है तो अच्छी एमएनसी में जॉब मिल ही नहीं सकती। आप एक चीज़ समझिए, कोई भी ढंग की कंपनी होगी, कोई भी ढंग की एमएनसी होगी, उन कंपनीज़ के अंदर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इज नेवर द सोल क्राइटेरिया ऑफ हायरिंग एनी कैंडिडेट। वो सिर्फ इस चीज़ को नहीं देखते कि कितनी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लगी है बच्चे की, वो ये भी देखते हैं कि उस कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है, उस कैंडिडेट की इंग्लिश कैसी है, उस कैंडिडेट की नॉलेज कैसी है जो कि उन्होंने आर्टिकलशिप के अंदर गेन करी है, उस कैंडिडेट की थ्योरेटिकल नॉलेज कैसी है सब्जेक्ट्स की जो कि हमारी जॉब के अंदर यूज़ में आएंगे। वो 25 चीज़ें देखती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ नहीं देखती जिनको मैटर नहीं करता। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी इन विच यू आर सीकिंग अ जॉब। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो, इवन इफ़ यू हैव गिवन 10 अटैम्प्ट्स, जो कि उस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने वाले के पास ना हो और आप हायर हो जाएं। काफ़ी बार कैंपस प्लेसमेंट्स में ये देखा जाता है कि जिनकी मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगी हैं उनको बेटर जॉब मिल गई फर्स्ट अटैम्प्टर्स से। अब ये कोई पैटर्न नहीं है, या आप ऐसे नहीं कह सकते मल्टीपल अटैम्प्ट वालों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, उस मल्टीपल अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा दैट ब्रॉट हिम एट एन एज विद अदर कैंडिडेट्स। क्या हो सकता है उसका वर्क एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा हो कि कंपनी ने कहा हो भाई मुझे अटैम्प्ट्स नहीं देखनी कितनी लगी हैं कितनी नहीं लगी हैं, उसका काम देखो ना यार, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ क्या करना है, इवन इफ़ यू हैव गिवन अ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, आपको अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी बिल्डअप करनी है ओवर द टाइम जो कि आप कंपनी जिस पे भी आप जाना चाह रहे हैं उनको दिखा पाएं कि भाई ये क्वालिटी मेरे अंदर है, आई एम प्रोबेबली द बेस्ट कैंडिडेट फॉर यू आउट देयर। फर्स्ट अटैम्प्टर्स को फिर वो नहीं देखने वाले, आप इस चीज़ को समझिए। किसी भी स्टूडेंट की जिसकी 2, 3, 4 अटैम्प्ट्स लगती हैं वो अपने आर्टिकलशिप के दौरान ही क्वालिफाई कर जाता है। 2 अटैम्प्ट्स तो आपकी आर्टिकलशिप के दौरान आ जाती हैं। जिस स्टूडेंट की 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स लग रही हैं उनकी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी होती है, उसके बाद का टाइम लग रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस क्या होगी, आप जब भी अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आफ्टर हैविंग एंडेड योर आर्टिकलशिप फेज, डू समथिंग एल्स अलॉन्ग विद
प्रिपेयरिंग फॉर सीए कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी और कोर्स के लिए प्रिपेयर करने लग जाएं, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ पकड़ लें जो कि आपकी सीए की स्टडीज़ को हैम्पर करें, नहीं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ पकड़ लीजिए। आपको नॉवल्स पढ़ना अच्छा लगता है, स्टार्ट रीडिंग गुड नॉवल्स। आपको बेसिकली नॉवल्स पढ़ने से क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। आपको न्यूज़ पढ़नी अच्छी लगती है, स्टार्ट रीडिंग गुड पेपर्स। द हिंदू अच्छा है पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो ऐसे अच्छे अच्छे आप पेपर्स पढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मतलब स्टार्ट डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव अलॉन्ग विद द स्टडीज, जो कि आपको कुछ ना कुछ एज दे। मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ ना कुछ करने लग जाइए। आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करिए जो कुछ ना कुछ तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूट करे। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर द पीपल हु हैव लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैन यू। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने सब ट्राई कर लिया, मेरे पास लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा जो कि मेरे को बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर एज दे पाए, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दे पाए, तो मेरे को जॉब तो फेच होती नहीं लग रही। ओके, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं, आप अपनी फर्म खोल सकते हैं क्योंकि आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं ऑलरेडी। आपने आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट करी होगी। आपने अगर आर्टिकलशिप में सही में अच्छा काम सीखा है, अच्छे काम का मतलब ये नहीं होता आपको बहुत अच्छे टॉप लेवल का काम मिलने लग जाए, वो नहीं मिलेगा, सीए आर्टिकल्स को नहीं मिलता उस लेवल का काम। लेकिन अगर आपने डिसेंट लेवल का भी अच्छा काम सीख लिया है और आपके पास एक दो लोग और भी हैं जिनके साथ आप मिलकर फर्म खोल सकते हैं, आप अपनी फर्म खोलिए। द मोमेंट यू स्टार्ट योर ओन फर्म एंड आप अपना धीरे धीरे करके क्लाइंटेल बढ़ाएंगे, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू स्पीक। नोबडी केयर्स कि आपने कितनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में सीए कोर्स क्लियर करा था, उस टाइम पे नोबडी आस्क्स। कभी भी आपका क्लाइंट ये नहीं पूछेगा, आपका क्लाइंट ये पूछेगा कि आप कितने लोगों का काम लेके बैठे हैं, कितने लोगों का काम आपने अच्छे से करा, कितने केसेस आप जीते वगैरह वगैरह। जिस भी डोमेन में आप काम करेंगे उस काम के अंदर आपकी क्वालिटी कैसी है काम की आपके, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू स्पीक। तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज नेवर गोइंग टू बी अ हिंड्रेंस, आप बहुत ईजिली अपनी फर्म खोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज आप कोई भी और तीसरे टाइप का बिजनेस भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका सीए जो बैज है दैट इज़ गोइंग टू स्पीक अ लॉट। कोई भी इन्वेस्टर्स होंगे आपके बिजनेस के अंदर, आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्वाइट करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, सीए की जो डिग्री है दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू स्पीक अ लॉट। बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ऑडिटिंग की, टैक्सेशन रिजीम की, इतने सारे चीज़ों की इतनी अच्छी नॉलेज मिली है सीए कोर्स के अंदर कि वो आप अपने बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं। कैसे टाइप के बिजनेसेस, हो सकता है आपका एंसेस्ट्रल फैमिली बिजनेस हो जिसमें आप कुछ ना कुछ इस नॉलेज को यूज़ करके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं, अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करेंगी। हो सकता है आपके पास कोई और बिजनेस आइडियाज़ हों अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट करने का, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दिस डिग्री इज़ ऑलवेज गोइंग टू पे। तो क्या डिस्कस करा हमने फाइनली, अगर हम इसको सम अप करना चाहें, आपको यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आ रही बाई और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पे थोड़ी आ सकती है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज नॉट द सोल पैरामीटर। इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द पैरामीटर्स बट इट इज़ नॉट द सोल पैरामीटर। सो नो कंपनी इज़ गोइंग टू जज यू ओनली ऑन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप और किसी चीज़ में अगर अपना मेटल प्रूव कर पाएँ, अगर ये प्रूव कर पाएँ कि आप अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी बोल रही है, आपकी इंग्लिश बोल रही है, आपकी क्लाइंट डीलिंग स्किल्स बोल रहे हैं, आपकी डेडिकेशन बोल रही है काम के थ्रू, ये सारी चीज़ आपकी बहुत मैटर करेंगी। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इवन इफ अगर आप एडमेंट हैं कि नहीं भाई मेरे को सीए फर्म नहीं करनी, मुझे बिजनेस नहीं करनी, मुझे जॉब ही करनी है और मुझे जॉब ढंग की मिल नहीं रही, मैं कहता हूँ आप कोई भी छोटी मोटी जॉब पकड़ लो किसी ऐसी कंपनी में जिसके पास काम ज़रूर अच्छा हो, काम अच्छा होना चाहिए, इवन इफ द कंपनी इज़ नॉट अ वेरी बिग ब्रांड इन इटसेल्फ। आपको 4 से 5 लाख की मैं कह रहा हूँ कोई जॉब मिल गई, आप वो काम पकड़ लो, पैसे मत देखो, फर्म का नाम मत देखो, काम देखो, 1-2 साल काम करो वहाँ पे, काम सीखो, अच्छे से सीखो कि क्या काम होता है, कैसे होता है, एंड नाउ दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अच्छा काम भी मिलने लग जाएगा, आर्टिकल वाला काम नहीं मिलेगा। 2 साल में जैसे ही आप काम सीख गए ना, उसके बाद आप उसी फील्ड में कोई भी बड़ी MNC, कोई भी बड़ी कंपनी को अप्रोच करोगे फॉर अ जॉब, क्या होगा, वो आपसे ये नहीं पूछने वाले कि आपकी कितनी अटेम्प्ट्स लगी हैं। अब आप सीए फ्रेशर नहीं रहे हो, अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो विद एन एक्सपीरियंस, सो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इज कि आपने क्या काम करा है इन 2 सालों के अंदर। और जैसे ही आप वो काम गिनवाने लगोगे ना कि मैंने ये काम करा, ये करा, ये करा, ये करा, योर एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू स्पीक अ लॉट एंड दैट इन इटसेल्फ इज़ गोइंग टू फेच यू अ जॉब। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी कितनी अटेम्प्ट्स लगी या कितनी नहीं लगी, ज़्यादा लगी तो क्यों लगी, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 साल में काम करा है ना, काम सीखा है ना, अच्छा काम करा है, ख़त्म बात, कंपनी को काम ही तो करवाना है।
So that is what I'm trying to tell you. 2 years down the line, doing a job, nobody cares कि आपने क्या कितनी number of attempts लगाई थी. It all gets masked by the kind of work that you are doing. तो results आने वाले हैं. I would pray कि आप जल्दी CA बन जाएं. अगर इस attempt में नहीं भी बन जाते हैं, don't get disheartened. Try to become a CA as soon as possible. But always see this chart, make this chart for yourself and tell yourself that even if you don't qualify in the first attempt or in 4, 5, 6 attempts, you are definitely going to be good. Have that self-confidence in you. All the best. Bye-bye.